सो हेलो वीएलसीएंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। हम लोग बात कर रहे थे क्लास टेंथ का साइंस, और क्लास टेंथ के साइंस में हम लोग बहुत आगे, बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद बहुत आगे आ चुके हैं। हालांकि अगर ऐसे बोला जाए तो हम केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और फिजिक्स पे हम लोग बात कर रहे हैं। फिजिक्स में सबसे पहले हमने उठाया है चैप्टर लाइट और प्रकाश के बारे में, हमने समझा है, और प्रकाश को समझते हुए हम आगे बढ़े हैं। सबसे पहले प्रकाश के बारे में समझा, प्रकाश का बेसिक इंट्रो, मतलब कि देखा जाए कि प्रकाश आखिर है क्या, प्रकाश कैसे अगर देखी जाए तो कैसे होंगी, कैसे गमन करेंगी, प्रकाश की चाल क्या होंगी, इन सब बारे में हमने प्रकाश के बारे में बात किया। फिर हमने कहा कि प्रकाश का अगर किसी सतह पर प्रकाश गिरता है तो क्या क्या होगा, कौन कौन सी धारणाएं होंगी। तो हमने कहा कि प्रकाश अगर किसी सतह पर गिरता है तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा और एब्जॉर्प्शन होगा, ये प्रकार की हमने देख लिया था। और हमने रिफ्लेक्शन भी देखा था कि रिफ्लेक्शन कैसे होगा। अब हम लोग बात कर रहे थे इमेज के लिए। तो इमेज देखो, इमेज एक्चुअली बहुत बड़ी बात है, इमेज बनाना या इमेज का बनाना। तो पहली बात, किसी के नज़र में इम्पैक्ट या इमेज बनाना है तो उसके लिए अच्छा रहना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर किसी को कोई वस्तु अगर आप देखना चाहते हो, उसका इमेज आपको दिखाई दे, अर्थात आप उस वस्तु को देखो, तो आपके आँखों में रेटिना पर उसका इमेज बनना चाहिए। जब आँख के रेटिना पर इमेज बनेगा तभी उस वस्तु को आप देख पाओगे। अगर इस आधार पर अगर हम बात करें तो इमेज को हमने समझा था और इमेज के बारे में हमने कुछ विशेष बात किया था कि प्रकाश किरणें मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी। जैसे हम कहें बाबू कि अगर देखो, अगर कोई ये ऑब्जेक्ट है, या हम कह दें कि इमेज को हमने पढ़ा था दो रूपों में, रियल इमेज और दूसरा था हमारा वर्चुअल इमेज, ठीक है। अच्छा, रियल इमेज ये देखो एक मेरा प्लेन मिरर है, क्या है ये, प्लेन मिरर, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण, क्या बोलेंगे, समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण क्या होता है तो हम कहेंगे वह दर्पण जिसमें कोई वक्र ना हो, समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाएगा बाबू, समतल दर्पण। अच्छा, कल हम इमेज के बारे में पढ़े थे और इमेज को दो रूपों में कैटेगराइज किया गया था, रियल एंड वर्चुअल, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब हमने पढ़ा कि समतल दर्पण, तो अगर देखा जाए तो ये हमने कहा कि एक समतल दर्पण है मेरे पास, और इसको और थोड़ा ऊपर हम बनाएं तो ये देखो, ये मेरे पास समतल दर्पण है और एक तरफ इसकी कोटिंग हुई हुई है, क्या है, कोटिंग, ये हमारा समतल दर्पण है। अच्छा, इस समतल दर्पण के पीछे, या हम बोले समतल दर्पण के आगे, एक ऑब्जेक्ट खड़ा है। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट, जिसको हिंदी में आप बोलते हो वस्तु या बिंब, क्या बोलते हो, वस्तु या बिंब। इस वस्तु की ये दो आंखें हैं, दो ही आंखें होंगी, ठीक है। इस वस्तु के सिर से एक प्रकाश किरणें गई और मुख्य अक्ष के समांतर गई और इधर से ही रिटर्न आ गई। एक आगे हम फिनोमिना बात करेंगे, ये देखो, ये पोल पर गई और टकराकर, पोल पर गई और यहां से टकराकर बाउंस बैक हो गई उसी माध्यम में, आई इंटू आर, ये कोण आई और ये आर। ये देखो जो बाउंस बैक हुई, इसका कुछ प्रकाश किरणें अंदर की तरफ भी गई, यहां पर मिली या मिलती हुई प्रतीत हुई, यहां पर मिली या मिलती हुई प्रतीत हुई। तो जब मिलती हुई प्रतीत होगी तो यहीं पर बनेगा इमेज, क्या बनेगा, इमेज। बात समझ में आ रही है। अगर इस प्लेन मिरर के संदर्भ में, अगर हम प्लेन मिरर के संदर्भ में इमेज के बारे में बात करें तो इमेज
का पोजीशन अगर देखें, इमेज पोजीशन, तो ये मिरर के पीछे है। किधर है? मिरर के पीछे। ये बात तो समझ में आ गई। दूसरा, इमेज का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है, नेचर कैसी है? तो अगर हम बात करें कि जब मिलती हुई प्रतीत होंगी और सीधा हो, इमेज का डायरेक्शन ऑब्जेक्ट के बराबर सीधा दिख रहा हो, तो यहां पर हमेशा क्या होता है, वर्चुअल होगा। क्या होगा? वर्चुअल। एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब होता है सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें इसके बारे में कि पोजीशन हो गया, नेचर हो गया, अब इस इमेज की साइज की बात की जाए, तो ऑब्जेक्ट के इक्वल। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट के इक्वल, ऑब्जेक्ट के इक्वल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने प्लेन मिरर से एक इमेज को समझा और कुछ प्रकाश किरणों को भी समझा कि प्रकाश किरणों का रे डायग्राम कैसा होगा। तो हमने कहा कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर, अर्थात बोला जाए मुख्य अक्ष पर अगर प्रकाश किरणें जा रही हैं, तो उसी से क्या हो जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। एक तो पहली बात। दूसरी बात, अगर पोल, अगर इसको पोल बाद में अगर हम बात करेंगे, तो यहां से टकरा कर ये रिटर्न हो जाएंगी, ये रिफ्लेक्शन हुआ। क्या हो गया? रिफ्लेक्शन। कुछ मात्रा में प्रकाश ये पीछे की तरफ आई और यहां पर मर्ज हुई, या मर्ज हुई प्रतीत हुई, तो यहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया, अर्थात हमने कहा कि ये इमेज बन गया। इमेज का पोजीशन क्या रहा प्लेन मिरर के लिए? तो हमने कहा मिरर के पीछे। तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि मिरर के पीछे तो इमेज कैसा, वर्चुअल। या अगर हम कहें कि अगर लंबा अगर खड़ा उसी डायरेक्शन में दिख रहा है जिधर ऑब्जेक्ट है, उधर ही डायरेक्शन में अगर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमेशा वो इमेज कैसा होगा बेटा, वर्चुअल इमेज होगा, और हमेशा वो इरेक्ट मतलब कि ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर, या कहें कि ऑब्जेक्ट के साइज के, या ऑब्जेक्ट जिधर है उधर ही डायरेक्शन उसका इमेज का फॉर्मेट होगा। यहां पर हमने देखा कि साइज जो मिल रहा है ऑब्जेक्ट के इक्वल मिल रहा है यहां पर, यही वजह है कि हम प्लेन मिरर में अपनी साइज को देखते हैं और पूरा रूप से देख पाते हैं। आगे यही कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे कि एक एच हाइट, या हमको बोले कि अगर एक कोई भी व्यक्ति है, वो अपनी पूरी हाइट देखने के लिए कितना मिरर उसका रिक्वायर्ड होगा, और ये सब पढ़ेंगे हम क्लास 12th में, जो कि मिरर का, ऑप्टिक्स का एक पूरा सेक्शन ही है मिरर को लेके, ठीक है? तो ऑप्टिक्स में हम बात करेंगे, रे ऑप्टिक्स में पूरा ये सब, ठीक है? तो ये चीज बातें हमको समझ में आ गई। अब एक चीज यहां देखिए, रियल और वर्चुअल। वर्चुअल के बारे में तो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया इस प्लेन मिरर के द्वारा, परंतु रियल इमेज क्या होगा बाबू? तो रियल इमेज वो जब टकरा कर, प्रकाश किरणें टकरा कर उसी माध्यम में रिटर्न आ जाए, अर्थात यहां से टकरा कर रिटर्न आके इसी माध्यम में कहीं अगर बन रही हो, तो अगर हम बोलें कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, रियल इमेज। चाहो तो एक लाइन और लिख लो कि जिधर ऑब्जेक्ट हो उधर ही इमेज प्राप्त हो, तो यह रियल इमेज प्राप्त, रियल इमेज बनेगा, इमेज बनेगा। मतलब कैसा बनेगा? वास्तविक इमेज बनेगा। और यह हमेशा जो रियल इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट के उल्टा होगा। क्या हो जाएगा बाबू? ऑब्जेक्ट का उल्टा। तो जब भी रियल इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट का उल्टा होता है, तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसका उल्टा बनेगा, तो रियली हम देख पाएंगे। इसका हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि हमने कहा कि रेटिना पर जो इमेज बनता है वो उल्टा बनता है, जिसके वजह से हम आपको सीधा देख पाते हैं। तो कौन सा इमेज फॉर्मेट हुआ वहां पर? रियल। तभी तो हम आपको रियली देख पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है या आप हमको देख पा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है।
अब एक छोटी सी बात आती है जिसका नाम है लेटरल इन्वर्जन। क्या इसको रफ करें? ठीक है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। लेटरल इन्वर्जन, हिंदी में बोलते हो बाबू पार्श्व व्युत्क्रम। क्या बोलेंगे इसको? पार्श्व व्युत्क्रम। अच्छा, ये पार्श्व व्युत्क्रम होता क्या है? लेटरल इन्वर्जन कहां देखने को मिलेगा? ये भी प्लेन मिरर से कॉन्सेप्ट समझना। आप जब शीशे के सामने आप अपना नाम लेकर जाइएगा, आप अपना नाम लिख कर लेकर शीशे के सामने जाइएगा, जब राइट का लेफ्ट हो जाए और लेफ्ट का राइट इमेज फॉर्मेट हो तो इसे क्या बोलेंगे? पार्श्व व्युत्क्रम। जैसे अगर हम बात करें कि मान लो ऐसे करके एक हमारे पास प्लेन मिरर लिखा रखा हुआ है और ये देखो हमने लिखा एम्बुलेंस, कोई दिक्कत नहीं आती। अब इसका हमको इमेज जो प्राप्त होगा वो हमको इस प्रकार मिलेगा। ये देखो ऐसे लिखा हुआ प्राप्त होगा, बात समझ आ रही है? तो ऐसे जब प्राप्त होगा तो हम कहेंगे इसको ये लेटरल इन्वर्जन का कारण है, पार्श्व व्युत्क्रम। आप अपना नाम लेके जाओगे लिख के अगर एक मिरर के सामने ऐसे लेके जाओगे तो अपोजिट हो जाएगा। इसीलिए एम्बुलेंस के छज्जे पर, जो एम्बुलेंस होता है ना, देखो यहां पर बाबू कि जो एम्बुलेंस हमने लिखा है जानबूझ के हमने एम्बुलेंस ही क्यों लिखा है, क्योंकि एम्बुलेंस में ये चीज उल्टा दिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है। आप मिरर में देखते हो अपने मिरर में तो आप उसको सीधा पढ़ पाते हो, और ये कारण है लेटरल इन्वर्जन का, पार्श्व व्युत्क्रम का। जब राइट का इमेज, अगर राइट में ऑब्जेक्ट रखा हो, हम लिख दे रहे हैं राइट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट से इमेज प्राप्त हो, इमेज बने, या अगर हम कहें कि लेफ्ट ऑब्जेक्ट से राइट इमेज बने, तो ऐसे को क्या बोलेंगे? लेटरल इन्वर्जन। ये क्या होता है? वाई से वर्षा, मतलब ये दोनों तरफ चलेगा। यहां से देखो इसको, आप देखना जब इसको उल्टे वाले को देखोगे तो ये सीधा दिखाई देगा, और सीधे वाले को देखोगे तो उल्टा। हमने कहा क्या, अगर हम ऐसे खड़े हो रहे तो मेरे लिए ये राइट है, ठीक है, और राइट में रखा इमेज कैसा होगा? लेफ्ट साइड में उल्टा दिखाई दे रहा है। यहां हमको पलट जा रही कहानी, हमको उधर से पढ़नी पड़ेगी कहानी, क्योंकि हम इधर से पढ़ना चाह रहे थे अब इधर से पढ़ेंगे। अच्छा, अगर राइट साइड में रखी हुई तो हम इधर से पढ़ रहे थे अब इसको इधर से पढ़ेंगे। तो राइट और लेफ्ट का आप प्रक्रम देख सकते हो, और इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। और ये एप्लीकेशन यूज होता है बाबू कहाँ पे? अपने जीवन चक्र में एप्लीकेशन ये यूज होता है, कह सकते हैं जो हॉस्पिटल की वैन होती है, हॉस्पिटल, हाँ एम्बुलेंस, हॉस्पिटल का जो एम्बुलेंस होता है उस पर ये लिखा रहता है, जो हॉस्पिटल में जो एम्बुलेंस होती है उस एम्बुलेंस पे ये लिखा रहता है। कारण क्या होता है कि जो एम्बुलेंस पीछे से आ रही है और आगे कोई गाड़ी चला रहा है तो वो उसको रास्ता दे दे, कैसे रास्ता देगा? पढ़ के। उल्टा लिखा रहता है उसके मिरर में कैसा दिखाई देगा? सीधा, और सीधा पढ़ के वो आसानी से उसको रास्ता दे दे और एम्बुलेंस आगे निकल जाए। अगर एम्बुलेंस शब्द अगर सीधा लिखा जाता, एम्बुलेंस के छज्जे पर देखिएगा, एम्बुलेंस जो होता है उसके ऊपर देखिएगा, एम्बुलेंस का जो ऊपर होता है वो उल्टा लिखा रहता है, ताकि जो आगे कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी वाहन चला रहे हैं, उनको वो सीधा पढ़ने में आसानी हो जाए और उस गाड़ी को रास्ता दे दी जाए, ठीक है। तो ये तो पूरा रहा हमारा लेटरल इन्वर्जन। अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ना है? स्फेरिकल मिरर। तब तक इतना कवर करिए, स्फेरिकल मिरर करते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू वीएलसीएंस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।